चिरोदा जंजगिरी स्थित मानसरोवर विद्यालय के संचालन समिति का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि चाचा ने अपने ही भतीजे को जान से मारने की धमकी देते हुए भाड़े के गुंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दे डाला। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित चंद्रप्रकाश साहू द्वारा कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने सृजन साहू व पवन साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। इस वारदात की जानकारी पीड़ित चंद्रप्रकाश साहू ने पत्रकार वार्ता में इस प्रकार से दी है। गौरतलब है कि चंद्रप्रकाश साहू ने बताया है कि मानसरोवर विद्यालय चरोदा में 1992 से अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यहां के समिति के पदाधिकारी बसंत कुमार साहू, पुत्र चंद्र प्रकाश साहू, चाचा पवन कुमार साहू, पुत्र सर्जन साहू एवं इन्हीं के परिवार की महिलाएं इस सोसाइटी में पदस्थ हैं। पवन कुमार साहू शुरू से ही विद्यालय के खातों से एवं विद्यालय के निजी दस्तावेजों से कई बार छेड़छाड़ करते पाए गए हैं। समिति के सदस्यों से ठीक ढंग से बर्ताव न करना विद्यालय के स्टाफ को भी डरा धमका कर उन्होंने गलत काम करवाया है। बीते 12 अप्रैल को पवन कुमार साहू ने अपने ही भतीजे चंद्रप्रकाश साहू पर अपने पाले हुए गुंडे बदमाशों के साथ मारपीट करवाई। इसमें चंद्रप्रकाश साहू के आंखों में गहरी चोटें आई। जैसे तैसे जान बचाकर चंद्रप्रकाश ने कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और डॉक्टर मुलहजा करवाया है। विद्यालय में लगातार पवन कुमार साहू द्वारा अनर्गल प्रवृत्तियों में लिप्त पाए गए हैं, जिससे समस्त विद्यालय एवं विद्यालय के स्टाफ प्रभावित रहे हैं, साथ ही बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। चंद्रप्रकाश साहू एवं परिवार को भविष्य में जान से खतरा है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं चंद्रप्रकाश साहू जो मानसरोवर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ हूँ, और मेरे पिताजी बसंत कुमार साहू जो मानसर कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति जो मानसरोवर अंग्रेजी माध्यम को संचालित करती है उसमें सचिव के पद पर पदस्थ हैं, एवं अभी वर्तमान की स्थिति में उनको उपाध्यक्ष दर्शाया जा रहा है जो कि अवैध है। हमारी कल एक घटना हुई है सर, हमारे साथ घटना ये हुई है कि हमारे साथ जबरन मारपीट किया गया है। चूँकि मामला पंजीयक कोर्ट एवं सहायक पंजीयक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मामले को गंभीरता से ना लेते हुए हमारे ऊपर मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज कराना चाह रहे हैं। इसी एवज में कल मारपीट हुई, जिसमें सृजन साहू और पवन साहू ने मुझे बुरी तरीके से मारा, मेरा खून निकाला और मुझे आँख में भी गंभीर चोटें आई हैं। पिताजी को भी मेरे उनके पुत्र सृजन साहू ने चार झापड़ मारा है। हमारी मांग ये है सर कि समिति समिति टाइप से चले, संस्था संस्था टाइप से चले, अच्छे लोग समिति को चलाएं, अच्छे लोग संस्था को चलाएं, पवन साहू जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एवं सृजन साहू जैसे लोग संस्था से निकाले जाएं, यही हम मांग करें।